नागपुर के लालगंज परिसर में हलवाई आलगर मोर्चा द्वारा पिछले कुछ दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। इस हड़ताल का मुख्य कारण हलवा समाज के युवाओं पर जाति की वैलिडिटी और 1950 से पहले पूर्वजों का प्रमाण पत्र की मांग बनी हुई है। ज्ञात हो कि शेड्यूल ट्राइब में समाविष्ट करने के बाद हलवा समाज के अधिकांश लोगों की जाति वैधता सवालों के घेरे में है, जिसके कारण राज्य सरकार ने कास्ट वैलिडिटी की मांग सरकारी कर्मचारियों से की है, जबकि इसमें 1950 से पहले के प्रमाण पत्र हलवा समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इसी बात के कारण कई लोगों की सरकारी नौकरियां जा चुकी है, जबकि जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसी मांग के विरोध में हलवा यालगार मोर्चा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है कि हमारा हलवा यालगार का जो महामोर्चा 22 तारीख को मुंबई पर हम लेकर गए थे हजारों की संख्या में, इसकी अभी तक कोई भी दखल इस केंद्र और राज्य सरकार ने नहीं ली है। वैसे ही यह लालगंज झाड़े चौक पर पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन को शुरुआत की गई है। इस अनशन में माननीय रविभाव पवनीकर, माननीय मेरे छोटे बंधु रवि जी पराते, वैसे ही पंकज जी निमजे, दुर्गेश जी पारखेड़कर, मिथुन जी निमजे, यह सब अनिश्चितकालीन अनशन पर पिछले 5 दिनों से बैठे हुए हैं। इसकी भी दखल इस केंद्र और राज्य सरकार ने अभी तक ली नहीं है। हमारे हलवा जमात के जो युवा है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको जाति का दाखला और वैधता प्रमाण पत्र, इसके लिए हमें 1950 के पहले के कागज मांगे जा रहे हैं, यह योग्य नहीं है। हमारा ये कहना है कि 1976 में क्षेत्र बंधन का कायदा बना हुआ है, उस क्षेत्र बंधन का जो कायदा बना है 1976 के बाद के ही कागज पत्र मंगकर हमारे पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों को जाति का दाखला और वैधता प्रमाण पत्र देना चाहिए। वैसे ही हमारे राज्य कर्मचारी को जो 11 महीने के अधिसंख्य वर्ग पर स्थापित किया गया है, उनको उनके पूर्व पदों पर लेना चाहिए, और केंद्रीय कर्मचारी को उनका जो रिटायरमेंट का पैसा है वो जल्द से जल्द देना चाहिए। मैं इस केंद्र सरकार को, इस राज्य सरकार को,